नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी डॉट कॉम। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में शिवसेना के 57वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने अपने गुट की रैलियों को संबोधित करते हुए एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज शिवसेना का 57वां स्थापना दिवस है, सभी को 57वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। एक साल पहले 20 जून के दिन ही क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसलिए यह 57वां स्थापना दिवस खास है। सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए आगे कहा कि उन्हें कोई बताए कि उन्हें अपना स्क्रिप्ट राइटर बदल लेना चाहिए। जो भी हमारी आलोचना कर रहे हैं उसका जवाब हम अपने कामों से देते हैं। एकनाथ शिंदे शाखा प्रमुख से राज्य का मुख्यमंत्री बना सब बाला साहेब के आशीर्वाद से हुआ है। जो पिछले साल 20 जून के दिन हुआ उसके लिए शेर का जिगरा चाहिए। आप हमें गद्दार कहते हैं लेकिन आपने कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए बाला साहेब के विचारों से गद्दारी की है। आपको बाला साहेब के नाम पर सहानुभूति नहीं मिलेगी। अगर हमने गलती की होती, गद्दारी की होती तो 40 विधायक हमारे साथ नहीं आते। जब तक लोग आपके साथ रहे तब तक ठीक, लेकिन लोग अगर आपको छोड़कर जाते हैं तो वो कचरा हो जाते हैं। एक दिन आपका भी कचरा हो जाएगा। जहां एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना के 57वें स्थापना दिवस पर एक रैली को संबोधित करते दौरान पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर में स्थिति खराब है और पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। मणिपुर में आज लीबिया जैसी स्थिति है, राज्य जल रहा है, लेकिन पीएम को अमेरिका जाना है। एक पूर्व आर्मी अधिकारी ने ट्वीट कर बताया है कि राज्य की स्थिति क्या है, तब भी सरकार गंभीर नहीं है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस दावे का भी मजाक उड़ाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड रोधी टीका विकसित किया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के भाषण का वीडियो दिखाते हुए कहा कि देखिए ये कैसे झूठ बोल रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन पीएम मोदी ने बनाई है। झूठ बोलने वालों को वैक्सीन देनी पड़ेगी। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि देश में हिंदू खतरे में है तो मोदी सरकार को राज करने का कोई अधिकार नहीं है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश की बात करेगा। कहने वालों को देश की जनता ने सत्ता में बिठाया, फिर भी हिंदू खतरे में है, इसलिए देश में हिंदू आक्रोश मोर्चे निकल रहे हैं। ये मीडिया में कहते हैं कि रोज कोई पार्टी छोड़ता है, उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। मैं पूछता हूँ कितने झटके देंगे। इतना ही कहूँगा कि शिवसेना भूकंप प्रूफ पार्टी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार 19 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चल रहे विवाद पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि इस पर विवाद क्यों हो रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि गोवा में यह पहले से ही लागू है, अब लॉ कमीशन इस बारे में पूरे देश में राय ले रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एग्रेसिव रूप अख्तियार नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि वोट बैंक के लिए यूसीसी पर हवा खड़ा किया जा रहा है। हम किसी भी सूरत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आधार पर देश नहीं बांट सकते। हमें मुस्लिम समुदाय के भी लोग वोट देते हैं लेकिन कुछ लोग गुमराह करते हैं। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की तरफ से यूसीसी का विरोध किया जा रहा है, हालांकि कई नेता इसके सपोर्ट में भी हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सोमवार 19 जून को केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने फिल्म आदि पुरुष को लेकर तंज कसते हुए कहा कि सेंसर बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन होता है। हनुमान जी का चित्रण कार्टून की तरह किया गया है। फिल्म में निचले स्तर के शब्दों का प्रयोग किया गया है तो क्या यह माना जाए कि कर्नाटक में बजरंगबली बीजेपी के साथ नहीं थे, इसलिए बीजेपी वाले बजरंगबली पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं कि बीजेपी का कौन सा हिंदुत्व है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने आदिपुरुष फिल्म को बैन करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि आदिपुरुष फिल्म को बनाने में डायरेक्टर से ज्यादा इसमें बीजेपी का दोष है। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद बीजेपी बौखला गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने मणिपुर हिंसा को लेकर भी बीजेपी की राज्य और केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि आज मणिपुर चारों तरफ से जल रहा है, डबल इंजन की सरकार क्यों शांत है। सार्वजनिक कंपनियों को बेचकर बीजेपी देश के बच्चों की नौकरियां खा रही है। पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले राज्य के सियासी गलियारों में गहमागहमी तेज हो गई है। इस बीच खबर है कि कल सोमवार 19 जून को राज्य के बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव में उतरे उम्मीदवारों ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने राज्य में नामांकन दाखिल करने के दौरान हिंसा होने का दावा किया। बीजेपी का दावा है कि राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने को लेकर व्यापक हिंसा के बीच राज्य के कई हिस्सों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार इस शिकायत को लेकर राजभवन पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि नामांकन दाखिल करने के दिन से ही उन्हें धमकियां मिल रही हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से 8 जुलाई को चुनाव के दिन सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले नामांकन के दौरान हुई कथित हिंसा को लेकर सत्तारूढ़ टीएमसी का कहना है कि यह पार्टी की छवि खराब करने के लिए बीजेपी की तरफ से रचा गया नाटक है। साथ ही टीएमसी ने इसमें राजभवन की मिलीभगत का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यपाल को निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। क्या राज्यपाल ने विपक्षी दलों के गुंडों की तरफ से मारे गए टीएमसी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों से मिलने के बारे में सोचा है? बीजेपी राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और राज्यपाल उनकी कोशिशों में मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में चुनाव से पहले कथित हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस मामले को लेकर 20 जून को कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल राज्य चुनाव आयोग और ममता बनर्जी सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं और अब इन दोनों ही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर चीन को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर चल रहे गतिरोध पर मोदी सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सवाल खड़े करते हुए मोदी सरकार से पूछा कि 5 सितंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में एससीओ की मीटिंग के दौरान चीन के रक्षा मंत्री से 2.5 घंटे तक चर्चा की। 11 सितंबर 2020 को मॉस्को में रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल में विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री के साथ एलएसी की परिस्थिति पर बात की। 3 साल में 18 बार बॉर्डर टॉक्स हुए हैं, जब कोई घुसपैठ नहीं हुई तो 3 साल से लगातार हो रही चर्चा की सच्चाई क्या है? उन्होंने आगे पीएम मोदी के चीन को लेकर दिए गए एक बयान पर कहा कि 3 साल पहले 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने गलवान की घटना के बाद सर्वदलीय बैठक में कहा था कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना ही कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में है। ये बयान एक दिन पहले विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के विपरीत था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि गलवान की वारदात इस कारण से हुई थी कि चीनी सैनिकों ने घुसपैठ कर भारत की सीमा में टेंट लगाने की कोशिश की। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के अलावा पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी से जुड़ा एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। इसमें उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि ना हमारी सीमा में कोई घुस आया है, ना ही घुसा हुआ है। इस वीडियो को शेयर करते हुए जयराम रमेश ने दावा किया कि आज ही के दिन 3 साल पहले प्रधानमंत्री ने चीन को यह क्लीन चिट दी थी। उन्होंने तब जो कहा था उसे सुनिए, उनकी क्लीन चिट ने भारत को गंभीर नुकसान पहुंचाया है और इस तरह तो आगे भी नुकसान पहुंचता रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन को क्लीन चिट देने के बाद से संसद और बाहर दोनों ही जगहों पर प्रधानमंत्री की लगातार चुप्पी ने बातचीत में भारत की स्थिति को कमजोर किया है। इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हमारी सरकार से मांग है कि भारत चीन सीमा विवाद पर एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए। साथ ही पार्टी ने ये भी कहा कि एक श्वेत पत्र जारी किया जाए कि पिछले 3 साल में एलएसी के ऊपर जो घटनाक्रम हुआ है उसकी सच्चाई क्या है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।